अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अज़रा आलम और आप देख रहे हैं जीटीवी डिजिटल। नाज़रीन, कोर्ट रिपोर्टिंग के शोबे के हवाले से चंद ही ख़वातीन ऐसी हैं जो इस शोबे में अपना अलग नाम रखती हैं, जिनमें से एक नीलम अरशद भी हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि आजकल दीगर अदालतों में कौन से ऐसे अहम केसेस ज़ेर समात हैं। नीलम, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। हमें बताइएगा कि इस वक्त ओवरऑल अदालतों में ऐसे कौन से अहम केसेस ज़ेरे समात हैं जिनको आप ये समझती हैं कि ये मुल्की मईशत पर और मुल्की सियासत पर बराह रास्त असरअंदाज हो सकते हैं? थैंक यू सो वेरी मच अज़रा, आपने मुझे मदु किया अपने इस प्लेटफॉर्म पे। इस टाइम अगर मुल्की ओवरऑल सियासत को देखा जाए, मौशी सूरत हाल को देखा जाए, तो बींग अ कोर्ट रिपोर्टर, अभी जो कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं उसके हवाले से इलेक्शंस के जो मैटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो लाइमलाइट में है। इसके अलावा चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुतलिक जो मुख्तलिफ केसेज हैं जो कि मातहत अदालतों में हैं वो इस वक्त लाइमलाइट में हैं। इनका बराह रास्त इन केसेस का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि इलेक्शन की फ़िज़ा है, इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियाँ कर रहा है और दीगर जो सियासी जमातें हैं वो इस मामले पर अपने इजलास बुला रही हैं, कमेटियाँ हैं, कोर कमेटी के इजलास हो रहे हैं। तो इस हवाले से ये दो चीज़ें बड़ी अहम हैं इस वक्त मुल्की सियासी सूरत हाल को देखकर। जहाँ तक आपने बात की इलेक्शन की, तो इलेक्शन अभी की जो तमाम तर अदालती प्रोसीडिंग्स हैं, जो अहवाल हैं वो देखते हुए ऐसा कतई नहीं लग रहा कि इलेक्शन हो पाएंगे। इलेक्शन कमीशन का जिस तरह आपने पूछा कि जवाब वगैरह जमा करवाया गया था, जब तो बड़ा गैर तसल्ली बख्श किस्म के जवाब थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से। एक मौके पे इलेक्शन कमीशन ने पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा कि वो इलेक्शन करवाने को तैयार हैं, दूसरे मौके पे उनकी तरफ से कहा गया कि वो भी तैयार नहीं है। तीसरे मौके पर जो मुख्तलिफ मुतलका इदारे हैं जिनका इलेक्शन के मामले पर बड़ा अहम किरदार होता है, उनकी तरफ से जो जवाब जमा कराए गए तो उनकी तरफ से भी कहा गया, कुछ मौक़ों पर कहा गया वो तैयार हैं, दूसरे मौके पर ये कहा गया कि वो तैयार नहीं है। तो उनके जिसे कहते हैं ना कॉल और फेल में तजाद वाली सूरत हाल वो है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी बारह कई मौक़ों पर उनकी सरजनिश भी की गई। ये भी कहा गया कि पहले आप आते हैं तो कहते हैं कि आप ये चीज़ करा सकते हैं, उसके बाद जब ये चीज़ होती है तो आप कहते हैं ये नहीं हो सकती। तो मुख्तसरन ये कि जब ये इलेक्शन कमीशन से मुतालिक अहम केस, इनकाद से मुतालिक अहम केस जब चल रहा था तो उसमें एक इदारा दूसरे पर, दूसरा इदारा तीसरे पर ब्लेम गेम करता रहा कि अपनी ये जो जिम्मेदारी है एक तरह से बस हमारे सर से उतरे और दूसरे के सर पर पड़ जाए। बहरहाल जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तहम अब तक इस फैसले को लेकर बड़े शकुक व शुबात पाए जाते हैं, बहुत सारे हलके अभी भी कह रहे हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए थे और अब तो वक्त भी गुजर चुका है गो कि ये नहीं होते हुए नज़र आ रहे। तो लेट्स सी, इस मामले में इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है वो बहुत अहम होगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन वो वाहिद इदारा है जिसको जिसकी एक आइनी जिम्मेदारी है, उसको इलेक्शन करवाने हैं, हर हाल में करवाने हैं। बट वही बात है कि एक तरफ मरदमशुमारी की बातें हैं, हल्का बंदियों की बातें हैं, तो ये वो काम थे जो कि पहले भी हो सकते थे। जब इलेक्शन का वक्त आया है तो लाजमी नहीं कि उसी वक्त आप ये काम नए सिरे से शुरू करें। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में बड़ी ऑब्वियस हैं और सबको पता है कि ये डिले क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ केयर टेकर जो गवर्नमेंट है हमारी, उसके जो इख्तियारात हैं आप देखें, तरमीम करके उनको बढ़ाया जा रहा है, तो इससे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई इलेक्शन की फ़िज़ा है। अभी ये जो बातें हो रही हैं कि शायद फ़रवरी में मार्च में इलेक्शन हो, तो मेरी ज़ाती राय ये है कि मुझे बहसियत सहाफ़ी अभी तक ये इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। दूसरी तरफ आप देखें केयर टेकर गवर्नमेंट के होते हुए भी कितने रोज़ हुए हैं इनको, इतने चंद रोज़ में IMF की जो शराइत हैं वो इन लोगों ने पूरी कर दी हैं। तो ठीक है, एक मजबूरी है, अब उसको लेके चल रहे हैं, लेकिन उसका सारा का सारा मलबा जो है ना अल्टीमेटली आपकी आवाम पे पड़ रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए डेफिनेटली जो पहले के हुक्मरान थे उन्होंने भी नहीं देखा कि भाई आवाम का कुछ होगा। जो अभी की केयर टेकर गवर्नमेंट है वो ये कह देगी कि भाई हमारे पास तो चंद माह हैं, पिछली हुकूमतों का जो बोझ है वो हम किस तरह से एकदम से उतारें। तो एक ब्लेम गेम है जो चलती आ रही है, अरसा दराज से चलती आ रही है। जो पहली हुकूमतें हैं वो पिछली हुकूमतों पर मलबा डालती हैं, जो अभी की हैं वो आने वालियों पर डाल देंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इलेक्शन कमीशन का किरदार बड़ा अहम है, बड़ा वाज़े है, लेकिन मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। दूसरी तरफ आप ऑब्वियसली सियासी एक मंजरनामा है, तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अगर बात ना की जाए अदालतों के में केसेस के हवाले से तो गलत होगा क्योंकि इस वक्त सबसे अहम जो केसेस हैं जिस पर तकरीबन सारी की सारी आवाम की, बल्कि हम बहसियत कोर्ट रिपोर्टर जब जाते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया की बड़ी नज़रें होती हैं इन केसेस पे, तो वो बहुत लाइमलाइट में है। तो इस पर
अभी तक जो पेशरफ्त हुई है चेयरमैन तरीके इंसाफ से मुतालिक, तो कोई रिलीफ होता हुआ उनको नज़र नहीं आया, गो के सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो फौरी तौर पे इमीडिएटली उस चीज़ को टेकअप किया, उस पर फैसला भी जारी किया। तो उस पर अभी भी मेरा एक जो ट्वीट है ना बड़ा ऑन रिकॉर्ड था जिस पर मैंने ये बताया था कि रिलीफ जो है वो मिल जाएगा लेकिन उस रिलीफ का फ़ायदा नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, तो भाई चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे इस वक्त एक नहीं दर्जनों मुकदमा आते हैं। आप एक से निकालेंगे, आप उसमें दूसरी जो गिरफ्तारी है वो डाल देंगे। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा अगर एक केस में गिरफ्तार है अभी, उस पर जो भी जुर्माने हो चुके उनको जो सज़ा है वो मुख्तस कर दी गई, एक बंदा अटक जेल में बैठा हुआ है, तो साइफर वाला केस जो है आप एन उन्हीं रोज़ में जब आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपका वो केस लगा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीफ देने के करीब भी है, एक सज़ा है ना, सज़ा मुअत्तली का इख्तियार जो है वो अदालतों को होता है, अदालतें रिलीफ भी देती हैं, और ऐसे में आप साइफर वाला जो केस है उसका पिंडोरा बॉक्स खोल देते हो, उसमें जो तफ्तीश है जो तहकीक है उसमें तेज़ी आ जाती है अचानक से। तो ये सब वो इंडिकेशंस है जिससे आपको पता चल रहा है कि एक बंदा जिसको यहाँ तक लाया गया है, चलें गो के तोशाखाना केस है, मुख्तलिफ केसेस हैं जो कि जिनकी वजह से उनको सज़ाएँ हो भी रही हैं, तो इसके साथ साथ दीगर बहुत सारे केसेज़ हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है बहैसियत कोर्ट रिपोर्टर्स और अभी तक की जो सियासी सूरत हाल है सारी देखते हुए कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अभी तक जो रिलीफ मिला है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और एक केस से निकलेंगे तो दूसरे केस में पकड़े जाएंगे, दूसरे से निकलेंगे तो तीसरे में पकड़े जाएंगे, और कम अज़ कम इलेक्शंस तक, जो कि अभी तक नहीं पता कि कब होंगे, अगले साल का शायद एंड आ जाए बिल्कुल, और तब शायद इलेक्शन हो, और तब जाके शायद, लेकिन इलेक्शंस के बाद, इलेक्शन से पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आप रिलीफ नहीं देंगे। दिस इज़ माई पर्सनल असेसमेंट, गलत भी हो सकती है लेकिन ये वक्त बताएगा, बट बहैसियत कोर्ट रिपोर्टर मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आप क्या समझती हैं कि अदालतों की तरफ से जो इंसाफ में एक ताखीर देखी जाती है, आप इसका सबब किन अनासिर को समझती हैं? अच्छा, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अदालतों में ना हमेशा से, लाइक इट्स बीन मोर देन 10 ईयर्स नाउ कि मैं कोर्ट रिपोर्टिंग कर रही हूँ, अदालतों में हमेशा से जो हाई प्रोफाइल केसेज हैं ना उनको फोकियत दी जाती है, बिल्कुल ऐसा ही, उनको बड़ी फोकियत दी जाती है, बिकॉज एक हाई प्रोफाइल केस है, सबकी नज़रें उन पर होती हैं, तो अदालतें जो छोटे मोटे केसेस होती हैं ना उनको पसे पुश डाल देती हैं। जी ऐसा ही। अब हाँ, एक तरफ जब चीफ अपनी कमांड चेंज करने वाला होता है, पुराना चीफ जा रहा है नया चीफ आ रहा है, तो तब ज़रा मुकदमात में तेज़ी जो है वो देखने में नज़र आती है, वो भी क्यों, क्योंकि एट दी एंड आपका एक जो फहरिस्त है वो जारी होती है मुकदमात से मुतल्लिक कि भाई कितने एक केसेस जो हैं पेंडेंसी में, आपने उनको मुकर्रर किया, कितने सुने, कितने निमटाए केसेस, तो एक जिसे कहते हैं ना एक मुकाबले की फ़िज़ा होती है, हर जो मौजूदा चीफ जस्टिस होता है उसको ये होता है कि यार पिछला चीफ जस्टिस फ़र्ज़ करें अगर 10 मुकदमात सुन के गया है तो मेरी जो परफॉर्मेंस है उससे ज़्यादा हो तो मैं उसको 15 कर लूँ। तो वो जो स्पीडी ट्रायल होता है ना वो सिर्फ आला जो लोग होते हैं, आला शख्सियात होती हैं, उनके ट्रायल्स में तो बड़ी स्पीड देखी जाती है। आप देखें सैटरडे को संडे को जब अदालतें बंद होती हैं तब भी अदालतें लगती हैं, खुलती हैं ऐसे लोगों के लिए, लेकिन जो आम साइलिन है उनके लिए वो, मतलब हम खुद वहाँ पर जब कोर्ट्स में होते हैं देखते हैं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करें, अभी भी मुझे एक जो साहिल हैं उनकी जो चेहरा है वो आंखों में झलक रहा है, जहन में गर्दिश कर रहा है कि वो सियालकोट से आते हैं और हर हफ्ते में कोई एक आध दिन उनका लाजमी चक्कर लगता है, और बदकिस्मती समझें उसकी कि जब उनकी पेशी होती है या तो वकला उनको बता नहीं पाते कि भाई आपका केस डीलिस्ट हो गया है, या किसी न किसी बड़े शख्सियत की जो है वो पेशी होती है, तो उनका तकरीबन 5.5 साल हो चुके हैं, मैंने एक दफ़ा ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात की, तो 5.5 साल हो चुके हैं, ज़मीन का तनाज़ा एक बंदा, तो सियालकोट से आना जाना, और एक गरीब बंदा, मतलब आप खुद सोचें कि किस तरह से वो आता होगा, कैसे मैनेज करता होगा, ट्रांसपोर्ट कैसे मैनेज करता होगा, एक बंदा जिसका यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं है वो रहता कैसे होगा, या सुबह आ रहा है या शाम को जा रहा है, तो ट्रैवलिंग में उसका टाइम गुजर रहा है, पैसे उसके अलग लग रहे हैं, ट्रैवलिंग उसकी अलग हो रही है, तो बड़ा बदकिस्मती है एक कि हमारा जो अदालती निज़ाम है उसमें स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये स्पीड जो है सिर्फ और सिर्फ आला शख्सियात के लिए होती है, बिल्कुल, जो आला लोग होते हैं जिन पर हाई प्रोफाइल केसेज होते हैं उनके लिए अदालतें संडे को भी खुलती हैं, लेकिन वो लोग जो आम साइलिन जो कि यार सालों साल गुजर जाते हैं, अभी बल्कि रिसेंटली एक लाहौर का एक ऐसा ही अदालती फैसला था, कोई 10 दिन पहले की बात है, वो नजरों से गुजरा, वो बंदा मर चुका है,
उसकी उसको सज़ा हुई, वो बंदा मर चुका है, उसके मरने के बाद उसकी जो अपील थी उसका फैसला आया और पता चला जनाब वो तो बंदा उसको वफात पाए हुए कोई 3 साल गुजर चुके हैं। तो ऐसा एक नहीं, बहुत सारे केसेस हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ आवर सिस्टम। पाकिस्तान में गरीब के लिए जिन दिनों में अदालत खुली होती है उस दिन भी उनके लिए मतलब कि वो टाइम नहीं निकाल सकते। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह करे कि हमारा जो अदालती निज़ाम है इंसाफ के तकाजे पूरे करे और जिन लोगों के लिए एक्चुअली अदालतें बनी हैं उनको इंसाफ होता हुआ, इंसाफ की फराहमी होते हुए नजर भी आए। नजर नहीं आ रहा इंसाफ जहाँ पे बड़े किसी के लिए, किसी अहम शख्सियत के लिए सैटरडे संडे को खुल सकती है अदालत, तो वहाँ किसी गरीब के लिए वर्किंग डेज में से क्यों नहीं? जो उनका स्केड्यूल होता है वो डीलिस्ट हो जाता है। यही तो सोचने की बात है। बिल्कुल। ये तो नाज़रीन, जैसा कि कोर्ट रिपोर्टर नीलम अरशद ने हमें बताया कि अदालतों से इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा और इलेक्शन होने तक इमरान खान का जेल से बाहर आने के कोई इम्कानात नहीं है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।